ये बिल्कुल, हमने पिछले 3 दिनों से काफ़ी प्रैक्टिस की है, फील्डिंग सेशंस और नेट्स काफ़ी बैटिंग पे सर ने काफ़ी कुछ बताया है और हम लोग तैयार हैं। कल के मैच हमारे लिए काफ़ी अहमियत है क्योंकि डू डाई मैच है और अफगानिस्तान के साथ मैच है। अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है तो हम लोग अच्छा प्रिपेयर किया और हम लोग तैयार हैं इंशाल्लाह। जैसे जिम्बाब्वे के खिलाफ मैं डक पे आउट हुआ हूँ तो मेरे लिए अहम है कि मैं इन मैचेस में, मैं और हैदर जो हैं, हम लोग इन मैचेस में अपनी कंट्रीब्यूशन करें। और ये मैचेस भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब डू डाई मैचेस हैं तो ऐसे मैचेस में बंदा परफॉर्म करे तो अच्छा होता है टीम के लिए। तो इसलिए मैं पूरी मैंने परफॉर्मेंस पर फोकस रखा हुआ है और 3 दिन काफ़ी प्रैक्टिस की अपनी बैटिंग पर और इंशाल्लाह मैं अप्लाई करूँगा। काफ़ी काफ़ी प्रैक्टिस की जो जैसे मैं आउट हुआ तो उस पर काफ़ी वर्क किया मैंने 3 दिन। उसके बाद अभी मैं पूरा मेंटली तैयार हूँ इस मैच के लिए और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी टीम को ये वाला क्वार्टर फाइनल मैच जिताऊँ। जी बिल्कुल, जैसे हमारा लोअर मिडल ऑर्डर खेल रहा है क्योंकि हम लोग जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जैसे हम लोग 3 आउट हुए तो जिस तरह उन्होंने लास्ट में खेला तो मेरे लिए एज ए कैप्टन बहुत खुशी की बात थी कि हमारे सब बैट्समैन कैपेबल हैं कि वो किसी भी टाइम पे बिग शॉट्स या लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। तो अभी तक हम लोग जो ऊपर से हैं वो भी नहीं चले, तो इंशाल्लाह जब मैं और हैदर ऊपर से अच्छा खेलेंगे तो हमारी टीम और अच्छा खेलेगी और इंशाल्लाह जिस तरह हमारी टीम का कम्बिनेशन बना हुआ है, जैसे हमारी टीम के पास ऑलराउंडर हैं तो एज अ कैप्टन मैं बहुत खुश हूँ अपनी टीम से। और इंशाल्लाह जैसे हम लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ फाइट दिखाई और जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला, ऐसे ही इंशाल्लाह अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। आई थिंक जैसे हमारा बॉलिंग अटैक है, जैसे हमारे फास्ट बॉलर हैं, हमारे पास काफ़ी कम्बिनेशन है, जैसे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, उसके बाद आमिर खान टीम में आया तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, और जैसे अब्बास मिडल ओवर में बॉलिंग करता है तो उससे काफ़ी हमें फ़ायदा होता है, और हमारे पास स्पेशलिस्ट स्पिनर है आमिर अली। तो जैसे हमारी बॉलिंग लाइनअप है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम लोग एज अ बॉलिंग यूनिट भी बहुत अच्छा करेंगे।